मैनपुरी अपर जिला जज ने 7 वर्ष पूर्व हुई हत्या में 7 आरोपियों को 7 साल बाद सुनाई उम्र कैद की सजा। दरअसल क्या है पूरा मामला, यूपी के मैनपुरी जनपद के कस्बा बेवर निवासी शहनशाह ने अपने बेटे को सेना में नौकरी लगाने के लिए उत्तम सिंह को 4 लाख रुपए दिए थे। वहीं सेना में नौकरी नहीं लगी तो 2 वर्ष बीत जाने के बाद जब शहनशाह ने रुपया वापस मांगा तो उत्तम सिंह विवाद पर उतर आया। दोनों ही कस्बा निवासी थे। इसके चलते 11 जनवरी 2013 को छिबरामऊ चुंगी के पास शहनशाह की दुकान थी। वहीं पंचायत के लिए उत्तम सिंह को बुलाया गया था लेकिन उत्तम सिंह जान पूछ कर लेट पहुंचा और पहुंचते ही शहनशाह को गाली गलौज करने लगा। वहीं उत्तम सिंह और उसके बेटे के साथ आए अन्य रिश्तेदारों ने लाइसेंसी हथियार और अवैध असलहा से जान से मारने के लिए फायर कर दिया। वहीं 2 और भी लोग घायल हुए हैं। दिन दहाड़े हुई इस हत्याकांड में बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं तत्कालीन थाना अध्यक्ष MA काजी जो कि विवेचक भी थे, पुलिस ने सभी 7 नामजद अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया है। वहां से उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने 7 नामजद में से 6 की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी थी। मुख्य अभियुक्त संजीव चौहान जो कि आर्मी में था उसकी जमानत कोर्ट ने नामंजूर कर दी। वहीं लगातार इस मामले की सुनवाई चलती रही। 14 अगस्त 2020 को अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह ने अभियोजन पक्ष की दलीलों व साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुरक्षित रख लिया और सजा के लिए 17 तारीख मुकरर कर दी। आज न्यायाधीश ने 7 अभियुक्त उत्तम सिंह, अंशु, वैश्य आदि लोगों के सामने उनके सजा का ऐलान किया। साथ ही इस जघन्य हत्याकांड में 7 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई व 25,000 का अर्थदंड भी किया गया। रिपोर्टर देवेंद्र कुमार, जनपद मैनपुरी। मैंने इस केस में अभियोजन की तरफ से माननीय न्यायालय में कैद की है। ये घटना 11 जनवरी 2013 जिसमें संजीव चौहान, उत्तम सिंह, सोनू भदौरिया, प्रदीप चौहान, अंशु बैस, हेम सिंह, रवि चौहान एवं संजीव चौहान, इन 7 लोगों के द्वारा साबे आलम, तवज्जुल और अफसर अली जो कस्बा बेवर के निवासी थे, इनके ऊपर पैसे, पुराने पैसे के लेन देन को लेकर जान से मारने के लिए फायरिंग की गई जिससे साबे आलम के सर पर चोट लगी और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तवज्जुल और अक्सर अली भी इस गोलीबारी में इंजर्ड हुए थे। एक 2013 का हत्याकांड का मामला था, बहुत चर्चित भी रहा था। आज आपके द्वारा यूजल पक्ष के आप जिला शासकीय अधिवक्ता है और माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई, पूरा मामला क्या है? 2013 में ये कुछ पैसे के लेन देन की वजह से झगड़ा बेवर कस्बा में हुआ और जिस समय पंचायत तय थी उस समय लोग नहीं आए और उसके बाद विजय पक्ष आया, उत्तम सिंह वगैरह, और उन्होंने आके जहाँ पर बात जो ट्रायल और जो मृतक थे उनके टेंट हाउस पे आके हमला करके एग्जोटेशन करके और उन्हें गोली से चोटें पहुंचाई जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। एक व्यक्ति मौके पर ही मर गया जिसमें आज जो है 7 एक्यूज को आजीवन कारावास की सजा और 25,000 रुपये जो। इसके अलावा भी कोविड में बहुत सारे यहाँ से कनेक्शन हो रहे हैं कंटिन्यूस और काफ़ी कानून व्यवस्था के लिए जो भी संभव हो सकता है वो हमारे स्तर से या अभियोजन के स्तर से बराबर निरंतर प्रयास किया।